हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आप सबको पूरी देखनी है। और बहुत कम वीडियोस में मैं ऐसा बोलती हूँ, तो मेरी मैजिकल फैमिली समझ जाती है कि कुछ तो स्पेशल होगा। सो मेरे माइंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग है, जो अब से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने और भावना ने इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है और हमको इसके रिजल्ट मिले हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। जब हम लोग जर्नी में थे, हम लोगों ने ना अपना दोनों का ही एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट किया व्हाट्सएप पे, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि सुबह से शाम तक जो भी हमारे साथ अच्छा होगा, जो भी हम खाएंगे या जो भी हमें पूरे दिन के अंदर बहुत अच्छा महसूस होगा, हम उसको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करके ग्रुप में आके लिखेंगे। तो सुबह से स्टार्ट हो जाता था, यानी कि सबसे पहले तो हम दिन की जो शुरुआत हुई है उसके लिए थैंक यू बोल देते थे, और पूरा दिन हमारा ऐसे ही जाता था। और सेल्फ लव कर रहे थे, उसके लिए थैंक यू। कुछ भी चीज़ हम कर रहे थे उसको हम बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करते थे, और ऐसे ही रात हो जाती थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि जैसे भावना के साथ कुछ बहुत मिरेकुलस हुआ, और जब मैं उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती थी बहुत हैप्पी होके, नेक्स्ट डे या उसी दिन वो चीज़ मेरे साथ भी हो जाती थी। इतना अच्छा लगता था ये सब करके, और हमारी जो ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। और आप सब जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड की पावर क्या होती है। इससे हमारा सेल्फ लव भी इंक्रीज़ हुआ और ग्रैटिट्यूड की पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि सिंपल वर्कशॉप्स तो बहुत सारी मैंने कर ली हैं, तो क्यों ना हम दो लोगों की वाइब्रेशन जब इतनी हाई हो सकती है, हम दोनों जब एक दूसरे को इतना हाई रख सकते हैं, तो अगर हम 400 प्लस लोग मिलके अगर ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो उसका जादू क्या होगा। बस मैं सोच के ही मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि हर इंसान मतलब हमें आइडिया भी नहीं होगा दूसरा शेयर करेगा कि इस चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड पे किया जा सकता है या इस तरह से भी सेल्फ लव किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होने वाली हैं। इस ग्रुप में कोई नेगेटिव मैसेज नहीं करेगा, बिकॉज हमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी को बहुत हाई करना है। इस ग्रुप में कोई नेगेटिव मैसेज नहीं, कोई किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करेगा। अगर मेरे पास कंप्लेन आती है तो वो ग्रुप से तुरंत रिमूव होगा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो ग्रुप की वाइब्रेशन को ख़राब करे। और बस हमारा एक ही पर्पज़ होगा कि इतना इतना अच्छा हम कुछ शेयर करें कि दूसरा इंसान जब उसको पढ़े तो उसकी वाइब्रेशन हाई हो जाए और आपको वो ब्लेसिंग्स और कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में बोले। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सोच के, अगर हम इस तरह से अपने ग्रैटिट्यूड प्लस सेल्फ लव को लाइक फॉलो करते हैं एक दूसरे को साथ लेकर, तो ये सच में जादू कर देगा, ये बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स कर देगा। जैसे ऐसे होता था, अगर भावना को 500 रुपये मिले, उसने उसका फ़ोटो लेके ग्रुप में बहुत सारा थैंक यू बोला और मैं खुशी से उसको अप्रिशिएट कर देती थी, तो शाम तक या नेक्स्ट डे तक वो मेरे पास भी आने ही थे। इस लेवल का मैजिक होना शुरू हो गया था। तो ये तो सिर्फ दो लोगों की फ्रिक्वेंसी थी। अब आप सोचो कि जब 400 प्लस लोग ऐसी फ्रिक्वेंसी में रहेंगे तो फिर क्या जादू हो सकता है। मैंने डिसाइड किया है इसको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए शुरू करने में, इतना अमेजिंग आइडिया आया है। इसी संडे से हम स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग होगी इस वर्कशॉप की, वर्कशॉप होगी ग्रैटिट्यूड प्लस में सेल्फ लव, बट एक यूनिक तरीके से। पहले ही क्लियर कर दिया है, नेगेटिव मैसेज नहीं, और बाकी आप डिटेल्स में जो है कंडीशंस और रूल्स पढ़ लेना। और दूसरी बात की टाइमिंग जो है ना, इस बार मैं 7:30 करने वाली हूँ, बिकॉज 7 और 8 में तो थोड़ा 8 के बाद डिनर का टाइम और 7 o'clock तक लोग घर पर नहीं आ पाते, तो इसलिए मैंने सोचा 7:30 शाम को, इवनिंग में, पीएम इसका टाइमिंग रहेगा। 7 days की ये वर्कशॉप रहेगी और इसमें आपको पूरी फ्रीडम मिलने वाली है। टाइम टू टाइम ग्रुप में आपको सबको चांस मिलेगा, आप लोग अपनी अपनी फ्रिक्वेंसीज को जो है ना हाई कर सकते हो, मैसेज ऑन रहेंगे। लेकिन इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमें बार बार मैसेज ऑफ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें वही लोग आए, देखो नेगेटिविटी को जितना खींचोगे वो उतना ही बढ़ती जाएगी। आप बड़े से ग्रुप में अपना कोई भी सिचुएशन शेयर कर रहे हो जो बहुत नेगेटिव है, तो वो और ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इतना अच्छा लग रहा है सोच के, और मैंने जब इसको अपनी टीम के साथ शेयर किया वो लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि अब से पहले ये नहीं हुआ। बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई हैं, उन लोगों को पता है कि एक टाइम मिलता है मैसेज ऑन करने का, वो भी थोड़ी देर के लिए मैसेज ऑन होते हैं, टास्क का रिव्यू शेयर होता है, बाकी इस बार ऐसा नहीं होगा। और एक और चीज़ है कि डेली आपको टास्क मिलेंगे कि आज आपको ग्रैटिट्यूड किस चीज़ के लिए करना है, उस चीज़ के लिए तो करना ही करना है, और सेल्फ लव के टास्क मिलेंगे, और उसके अलावा आप और किस किस चीज़ के लिए कर सकते हो, ये एक कॉम्पिटिशन की तरह होगा, मतलब पॉजिटिव वाला कॉम्पिटिशन, ना कि नेगेटिविटी और कॉम्पिटिशन कर रहे हैं हम।
और दूसरा कि डेली हमारी जो है ना क्लास होगी 30 मिनट की, तो उसमें हीलिंग भी होगी और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो ये 7 डेज ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग जाने वाले हैं। वैसे भी सेप्टेम्बर ख़त्म होने ही वाला है, आधा तो चला ही गया, आज 15th है, तो मैंने सिर्फ 7 डेज की ये हो जाएगी और इसके बाद एक दो वर्कशॉप्स हो पाएंगी मुश्किल से। तो जिन लोगों ने अभी तक कोई भी वर्कशॉप ज्वाइन नहीं की है वो ये वाली ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत 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 मज़ा आने वाला है। और मैं इतना कह सकती हूँ कि आप प्योर मन से अगर आते हैं ग्रुप में और सिर्फ सारा फोकस इस चीज़ पर डालते हैं कि हमें अपनी ग्रेटिट्यूड की और सेल्फ लव की वाइब्रेशन को बहुत हाई करना है, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली। बस मैंने इतना सोचा कि अगर मेरी और भावना की, सिर्फ दो लोगों की फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो सकती है, तो जब हम 400 प्लस लोग एक ग्रुप में रहकर मतलब अपनी वाइब्रेशंस को और फ्रिक्वेंसी को हाई करेंगे तो वो क्या लेवल होगा। और ये चीज़ आपने देखी होगी जो भी वर्कशॉप में थे कि जब इवनिंग में मैसेज ऑन होते हैं तो उन मैसेजेस को पढ़ के जो फीलिंग आती है, जो एक वाइब्रेशन हाई होती है, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग होता है। सो कौन कौन रेडी है कमेंट करके बताओ। और पिन कमेंट में दोनों नंबर दिए हैं मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए। सो ये वर्कशॉप आई थिंक किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। मैं मोस्टली बोलती नहीं हूँ क्योंकि जिन्होंने ज्वाइन करना है वो हमेशा ज्वाइन करते हैं, बट इस बार अगर मैं बोल रही हूँ तो शायद कुछ सोच के ही बोल रही हूँ। ये वाली वर्कशॉप बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग होने वाली है, और जैसा कि मैंने हमेशा आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आप सबको अफोर्डेबल प्राइसेस में छोटी छोटी वर्कशॉप ला के दूंगी। तो 7 डेज की वर्कशॉप है, बहुत ही छोटा सा प्राइस है। आप लोग डिटेल्स लो, रजिस्ट्रेशन कराओ, टाइम ज़्यादा नहीं है, याद रखना टाइम ज़्यादा नहीं है। फ्राइडे सैटरडे 2 डेज हैं आपके पास, और संडे वाले दिन मोस्टली क्लोज होने वाले होते हैं रजिस्ट्रेशन, बट लास्ट मोमेंट तक भी लोग पकड़ ही लेते हैं। सो फ्राइडे एंड सैटरडे 2 डेज हैं आपके पास, और ये इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है कि इसमें मुझे ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। खींच भी सकती थी, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ शुरू हो और हम सब लोग मिलके कुछ ऐसा मतलब मैजिकल कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जहाँ पर कोई एक चीज़ आके मतलब ब्लेसिंग मिले, या हम कुछ भी आके वहाँ पर सोचें कि यार काश आज मेरे साथ ये हो जाए। आपको किसी ने कुछ शेयर किया कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज मेरे पास ये चीज़ आई, और आपने उसको दिल से अप्रिशिएट कर दिया, तो नेक्स्ट डे वो चीज़ आपके पास हो। इस लेवल की वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। मैं रेडी हूँ, आप रेडी हो या नहीं? और हाँ, बहुत सारे लोगों ने बड़े बैच के लिए मैसेज किए हैं, तो बड़ा बैच जो है अक्टूबर में स्टार्ट होगा। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये भी बहुत यूनिक होने वाला है, अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जिसमें हम सारे एरियाज को कवर करेंगे। सो उसके लिए थोड़ा वेट करो। तब तक मैं कह रही हूँ, आप इन छोटी छोटी वर्कशॉप से और अपने मतलब वाइब्रेशन को इस लेवल पर लेके जाओ कि वहाँ पर हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत ना पड़े, बस अपने मैनिफेस्टेशंस को सोचना है और वो मैनिफेस्ट हो जाए। इस लेवल की फ्रिक्वेंसी के साथ आप बैच में आओ, मैं बस इतना चाहती हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, उस टॉपिक पे वीडियो लाओ, और आप पहले जाके पुरानी वीडियोस को, बहुत ओल्ड वीडियोस को जाके देखो। मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बनाई है, होपोनोपोनो पे वीडियो बनाई है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे क्या फ़ायदा होता है उस पे मैंने वीडियो बनाई है, वाटर टेक्निक पे मैंने वीडियो बनाई है, स्क्रिप्टिंग पे मैंने वीडियो बनाई, हर टॉपिक कवर किया हुआ है, आप बस देखो। क्योंकि रिपीटेड वही वीडियोज़ बनाने से आई थिंक कोई बेनिफिट नहीं है। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ वीडियोस में, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग लगा। आपको कैसा लगा और आप एक्साइटेड हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। बस मुझे यही समझाना था, क्योंकि आज हर इंसान इतनी जल्दी में है, वीडियो को स्किप कर देते हैं, थोड़ा सुनते हैं कि हमारे काम की नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी काम की चीज़ें हैं जो हमारी जल्दबाजी की वजह से छूट जाती हैं। सो काफ़ी सारे लोगों को वेट भी था कि ग्रैटिट्यूड की वर्कशॉप आए, लेकिन ग्रैटिट्यूड प्लस सेल्फ लव प्लस में इस इन्वायरमेंट का तड़का इस बार लगने वाला है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन, एंड बाय बाय।